फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप हरीफाइन ऐप के जरिए अपने स्मार्ट वॉच में अपना वॉलपेपर कैसे लगा सकते हैं, अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं। चाहे वो स्मार्ट वॉच आपका अल्ट्रा स्मार्ट वॉच हो जो मैंने लिया है, या फिर हरीफाइन का ही स्मार्ट वॉच हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप आसानी से वॉलपेपर लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको QR कोड को स्कैन करके या फिर प्ले स्टोर से हरीफाइन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे छोटा सा सेटअप करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको वॉलपेपर लगाना बताऊंगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐप को सेटअप करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो स्मार्ट वॉच है कनेक्ट हो जाएगा अपने आप। ठीक है फ्रेंड्स, वहां पे देखिएगा तो कनेक्टेड लिख के आएगा आपके नाम के नीचे, और उसके नीचे फ्रेंड्स आपका जो स्मार्ट वॉच का नेम है वो यहां पे शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि कनेक्ट है कि नहीं। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे नीचे मी पे क्लिक कर लेना है। माई पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको डिवाइस सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उस पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे सेटिंग यहाँ पे खुल के आ जाएगी, लेकिन इसमें आप वॉलपेपर नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ से बैक जाएंगे। यहाँ पे आपको डायल पे क्लिक करना है। डायल पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको चले जाना है नीचे, यहाँ पे कैमरे का जो ऑप्शन है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका अपना फोटो आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर पे आप क्लिक कीजिएगा। सिलेक्ट पिक्चर पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर पे आप फिर से क्लिक कीजिएगा, तो आप अपने चले जाइएगा फोन में। चलिए यहाँ से एक फोटो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको टिक लगा देना है और नीचे यहाँ पे कम्प्लीट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, आप कितना लगाना चाहते हैं। एडजस्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सही पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो टाइमिंग शो हो रहा है उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये जो टाइमिंग यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे मैं इसको लगाना चाहता हूँ। साथ ही साथ इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ब्लैक कलर का या फिर ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का। तो यहाँ पे मैं ब्लैक इसको रखने वाला हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे सही पे टिक लगाएंगे। सही पे टिक लगाने के बाद फ्रेंड्स आप फिर से अगर यहाँ से कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप डेट यहाँ पे देखना चाहते हैं या फिर हार्ट रेट देखना चाहते हैं, उसके साथ यहाँ पे जो नीचे शो कर रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो देखना चाहते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे डेट ही सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि डेट ही मुझे देखना है, टाइम और डेट, और ऊपर स्टेप आपको शो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब कर लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव एंड यूज पे क्लिक कर देना है। यूज करने के बाद फ्रेंड्स ये आप अपलोड हो रहा है, देखिए यहाँ पे आपके वॉच में भी शो कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप अपने स्मार्ट वॉच में भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जल्दी से अपलोड हो जाएगा, 100% होते ही आपका जो है ये फोटो आपके स्मार्ट वॉच में शो करने लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्मार्ट वॉच में फोटो यहाँ पे सेट हो गया है, और काफी क्लियरली फोटो यहाँ पे सेट हुआ है। फायरबॉट की तरह नहीं है, यहाँ पे धुंधला फोटो नहीं आ रहा है, ये HD डिस्प्ले है, तो काफी अच्छी तरह से यहाँ पे सेट हुआ है। तो इस तरीके से आप इसके सारे सेटिंग्स का यूज कर सकते हैं।